सभापति के अपमान पर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। माधव चौक चौराहे पर कल्याण बनर्जी का पुतला जलाया गया। शिवपुरी राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान का मामला संसद से सड़क तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में इस मामले को लेकर बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी ने सभापति के अपमान के मामले में आक्रोश जताते हुए टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भी गुरुवार को बीजेपी ने विरोध जताते हुए टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला दहन किया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष राजू बाथम के नेतृत्व में शिवपुरी शहर के माधव चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला जलाया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष राजू बाथम ने कहा कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा संसद के बाहर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मिमिक्री करने न केवल सभापति का अपमान किया बल्कि उन्होंने देश के एक बड़े वर्ग जाट समाज का भी अपमान किया। उनका ये कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जिलाध्यक्ष ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। आज पुतला दहन का कार्यक्रम था आपका माधव चौक पे, क्या कुछ कार्यक्रम था? टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी के द्वारा हमारे देश के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा में सभापति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी की नकल उतारी है, मिमिक्री की है और ऐसा करके उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति जी के पद का अपमान किया है, एक बहुत बड़े वर्ग के नेता का अपमान किया है, जाट समाज का अपमान किया है और ये संवैधानिक पद पर विराजमान हमारे उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री करके उन्होंने ऐसा कृत्य किया है जो अक्षम्य अपराध है और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज उनका यहाँ पुतला दहन किया है बनर्जी सांसद जी का और हम मांग करते हैं कि उनके द्वारा संवैधानिक पद पर विराजमान हमारे उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया है, इस संबंध में उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। यह मांग हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। धन्यवाद।